स्वागत आप सभी का कि अपने फेवरेट शो केबीपी यानी कौन बनेगा पद्मा पदम पदे प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में मैं आपका प्यारा होस्ट और आपका मीठा बी के दोस्त सचिन करता हूँ आप सभी का दिल से स्वागत अभिनंदन और वेलकम। देखिए आप सभी पद्मा पदम पति भाग्यवान तो हैं ही, यहाँ तो सिर्फ एक खेल है जो निमित्त मात्र हम खेलते हैं ताकि हम ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाएं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भरे, बाप की याद में रहते हुए कर्म करना सीखे, कर्मयोगी बनकर दे आने वाले प्रश्नों का सही जवाब और लेकर जाएं यहाँ से ताज। तो बहुत सारा मौका होता है हमारे पास बहुत कुछ भरपूर करने का, लेकिन उसके लिए बस ज़रूरी है निरंतर बाप की याद में रहना और साथ ही साथ मुरली के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन रखना। मुरली को जितना हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, उतना हमारा जीवन सुखद हो जाता है और आने वाला कल भी निश्चित हो जाता है कि हम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। तो बस मुरली को धारण करते जाना, और यही बात कल हमें बाबा ने कल की मुरली में सुनाई थी जिसको हम रिवाइज करते हैं। बाबा ने दिखाया था हमारा लक्ष्य फिर एक बार कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है बाप की जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण कर पास विद ऑनर बनना, क्योंकि हर स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसका एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है, इसलिए ये लक्ष्य रखना चाहिए। साथ ही साथ लक्ष्य में जो बाधाएँ हैं इच्छाएँ, उस इच्छाओं से परे होना है। हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, ना सूक्ष्म में ना स्थूल रूप में, ना मान नाम शान की इच्छा, ना ही स्थूल रूप में कोई प्राप्ति की इच्छा हो, क्योंकि अब हमें किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाना है, बाप की याद में रहते हुए बनना है कर्मातीत। तो इसलिए हमें जो है ऐसे पुरुषार्थ करना, इसीलिए बाबा कहते हैं बस संगम में मेरे बच्चे बने रहो, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। तो बहुत ही सुंदर गीत भी बजा था, बचपन का एक सुंदर दिन है जब हम ईश्वरी गोद में बैठे हैं, ईश्वरी संतान बने हैं, नहीं तो सारे कल्प में हम देवता के संतान होते हैं, कभी हम जो मनुष्य के संतान होते हैं, कभी रावण के भी बन जाते हैं, आज इस वक्त तो राम के बने, ईश्वर के संतान बने हैं। इसके लौकिक की जो इच्छाएँ हैं सब छोड़, ईश्वरी कुल की वृद्धि करने मददगार बनना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी, इसका ध्यान रखना है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखो, किसी देहधारी से नहीं, क्योंकि कई बार जब हम किसी से लेन देन करते हैं तो हमारी बुद्धि में वही आत्मा बैठ जाती है, और अगर कोई भी आत्मा बुद्धि में आ जाता है तो बाप से कनेक्शन कट हो जाता है, इसलिए हमें बहुत अटेंशन रखना है बहुत ज़्यादा। बाबा कहते हैं चारों ओर हलचल मच ही रही है, मचने वाली है और ज़्यादा, तो उस समय में हम स्थिर रहें, विजयी बने, उसके लिए अव्यक्त स्थिति और शरीरी बनने का अभ्यास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट में तो चारों तरफ से हलचल होगी, प्रकृति की हलचल होगी, मनुष्य आत्माओं की हलचल होगी, एवन सोल्स का बोलबाला होगा उस वक्त तो, लेकिन उस वक्त भी हम आत्माएं एक सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा अगर इसमें टिक जाएंगे वो ही हमें अंत समय में विजयी बनाएगा और बाबा की याद में टिकाए रखेगा। इसलिए सुनते हुए भी नहीं सुनना है, और जब हम चाहें तब हम सेकंड में फुल स्टॉप लगा सके, यही हमारा अभ्यास होना चाहिए। इसलिए बाबा ने इस बार भी कहा था 18 जनवरी की मुरली जो चली थी, बाबा ने यही डायरेक्शन दिया, मन जीत सो जगत जीत बनो, मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो तो फिर बस पार हो गया। इसलिए मन को जीतो, को जब चाहो जैसे चाहो जिस सेकंड हम मन को स्थित करना चाहें वैसे हम कर सके, यही हमारा पुरुषार्थ, और जो यही कर लेते हैं महावीर विजयी आत्माएं बन जाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में जो बाधा डालता है वो हल बेलापन का स्क्रूज, उसको टाइट कर लेना अगर तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो तो बहुत ही सुंदर गहरी धारणा युक्त मुरली कल बाबा ने हमें सुनाई थी जिसमें हमें बहुत अटेंशन देना है। पिछले एक हफ्ते से बाबा काफ़ी गहरी मुरलियाँ हमारे सामने रख रहे हैं, उसके हमें रिवाइज करना है, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। 18 जनवरी की मुरली देख लीजिए, चाहे अभी आने वाली सब धारणाएँ हमारे सामने बाबा रख रहे हैं, उसको हमें जीवन में धारण करके पक्का स्वरूप बन के विजयी बन के पास से डोनर बन के घर वापस लौटना है। तो चलिए वो तो लौटेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है आपके सामने रखने का, तो चलिए रखते हैं 5 नए सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। पहला सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर, तो पहला सवाल है लेकिन आप कौन सी आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही? 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी तकदीरवान, ऑप्शन डी छात्र। और आपका वक्त शुरू होता है।
वक्त समाप्त हो चला, सही ऑप्शन बी ब्राह्मण। तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। पहले सवाल का बिल्कुल दिया है सही राइट जवाब और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बेहद मुबारकी। चलिए बढ़ाते हैं कदम आगे, चलते हैं दूसरे सवाल पर। दिल में यह नशा है कि हम किसके घर में अथवा अपने घर में आए हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन है अपने पिता के घर, ऑप्शन बी अपने बाबा के घर, ऑप्शन सी अपने शिव बाबा के घर, ऑप्शन डी अपने बाप के घर। और आपका वक्त शुरू हो गया है, बताना है आपको सही जवाब और लेकर जाना है ताज। ऑप्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है लेकिन आपके लिए सब पॉसिबल है क्योंकि जो गहराई से मुरली पढ़ते हैं उनको तो सब मालूम रहता है। तो वक्त समाप्त हुआ, तो दूसरा सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी अपने बाप के घर। तो फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकी, मुबारकी और मुबारकी। दूसरे प्रश्न का भी आपने बिल्कुल दे डाला है सही जवाब, कर दिखाया फिर से एक बार कमाल। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए ज्ञान रत्नों से होते हैं संपन्न। बाबा कहते अधिकार की निशानी होती है अपनापन। अपने बाप के पास आए, अपने परिवार में आए हैं, मेहमान बनकर नहीं आते लेकिन बच्चे आए हैं अपने घर में, चाहे 4 दिन के लिए आते लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे। तो यह आना और जाना ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार है, दो शब्द ही है आना और जाना। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि हमारा कितना अधिकार है उस मधुबन घर पे। हम जाते हैं तो कोई मेहमान समझ कर नहीं जाते, हमें फीलिंग आती है कि हम तो अपने घर जा रहे हैं, पढ़ाई का सार ही है आना और जाना। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। मालिक बनने वाली आत्मा कभी किससे मजबूर नहीं होती, अपने किस में मजबूत होती। चार ऑप्शन, ऑप्शन है अपनी स्थिति, ऑप्शन भी अपने स्थान, ऑप्शन से अपने स्वमान, ऑप्शन भी अपने संकल्प। और बाप का वक्त फिर एक बार शुरू होता है। समय का इशारा, वक्त समाप्त हुआ, सही जो ऑप्शन से अपने स्वमान में। तो फिर एक बार बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। देखिए प्रश्न भी आया है लेकिन अपनी चेकिंग भी करने के लिए हमें मौका दिया कि भाई जो आत्माएं मजबूत होती हैं तो वो कभी भी मजबूर नहीं होती हैं। जो अपने स्वमान में मजबूत होती हैं वो कभी भी माया के आगे मजबूर नहीं होती हैं। तो चेकिंग का भी मौका मिला तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। चले बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा सवाल। अगर दिया इस सवाल का सही जवाब 30 पॉइंट से भरपूर है आप तो गोल्डन क्राउन आप लेकर जाएंगे। तो रखते हैं प्रश्न, आप कौन सी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती। चार ऑप्शन, ऑप्शन है पवित्र आत्मा, ऑप्शन बी समानधारी आत्मा, ऑप्शन सी शक्तिशाली आत्मा, ऑप्शन डी स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा। का वक्त फिर एक बार शुरू होता है। समय समाप्त, सही जो ऑप्शन डी स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। आप सभी स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं इसलिए आपको बेहद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ ही साथ उसके लिए भी बधाइयाँ अगर आपने जीत लिए हैं गोल्डन क्राउन, अगर 40 पॉइंट से संपन्न है तो गोल्डन क्राउन हो चला है आपका। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी ने ले ली है, अब बारी है ज्ञान से भी भरपूर होने की। तो ज्ञान से संपन्न होने की बारी, तो बताते हैं ज्ञान रतन बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी ना किसी कर्मेंद्रियों के वश में हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आँख ने धोखा दिया, आज मुख ने धोखा दिया, दृष्टि ने धोखा दिया,
परवश होना अर्थात धोखा खाना और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। और धोखा खाना चाहते नहीं है लेकिन ना चाहते हुए भी कर लेते, सो कहा जाता है वशीभूत होना। दुनिया वाले कहते हैं ना, चक्कर में आ गए, चाहते भी नहीं थे लेकिन पता ही नहीं चला कैसे चक्कर में आ गए। आज स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। ना सिर्फ अपने को लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। अनेक प्रकार के दुखों के चक्रों से बचने के लिए सोचते हैं सृष्टि चक्र से निकल जाए, लेकिन सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट बजाते अनेक दुखों के चक्रों से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसके बाबा कहते कई बार जब हम परवश हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो कर जाते हैं जो नहीं करना होता है, उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हर वक्त बुद्धि में हमें ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, कैसा पार्ट बजाया है, अभी किस पड़ाव पर हूँ और आगे मुझे क्या करना है। और जब ये करेंगे तो ज़रूर हमारे अंदर जो वशीभूत होने का संस्कार है वो निकल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, रख देते हैं आज का अंतिम सवाल। पांचवें डोनर होने के लिए कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे क्या बनने का अभ्यास पर विशेष अटेंशन। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए देह अंबानी, ऑप्शन बी डबल लाइट, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी शरीर। और आपका वक्त, कीमती वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त, सही जवाब ऑप्शन डी शरीर। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मालूम ही है अगर इस खेल में 40 पॉइंट्स और 50 पॉइंट्स आपके हिस्से में हैं तो आप ताजधारी बन चुके हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो और बेहद मुबारक हो जी। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ आपने अपने नाम कर ली हैं। अब हम पहुँच चुके हैं उस पड़ाव पर जब बाबा आपको स्वयं ताज पहनाएंगे। तो फील करें, बाप दादा का वरदान यहाँ सिर पर है और बाबा पहले तो वरदान दे रहे हैं बच्चे विजयी भवा, मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा और सर्वशक्तियों से भरपूर बाबा अब आपको ताज पहना रहे हैं। आपका मन बेहद खुशी में नाच रहा है और दिल से गा रहा है, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। शुक्रिया के गीत, वाह वाह के गीत बज रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बधाइयाँ ले ली हैं, अब हम लेते हैं छुट्टी आपसे। फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा हो, शांति।